हेलो एंड वेलकम टू रियल क्विक एनालिसिस चैनल। तो चलिए आज एक और नए टॉपिक पर हम करते हैं अपना रियल एनालिसिस। आज की वीडियो के पॉजिटिविटी पार्टनर हैं केदार दातार जी, हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों शायद आपको याद हो फरवरी 2021 में सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतें यूरोप के लिए बढ़ा दी थी, लेकिन भारत समेत एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन उस डिसीजन के ठीक उल्टा अब सऊदी अरब ने एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी लेकिन यूरोप के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब भारत से नाराज हो गया है क्योंकि भारत ने सऊदी अरब से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है। साथ ही साथ क्योंकि भारत कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है, इसलिए हम हमेशा के लिए कच्चे तेल के उत्पादक देशों की दया पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सस्ती कीमत पर जहां कहीं से भी कच्चा तेल मिले भारत ने उसे खरीदने के लिए मोलभाव चालू कर दिया। चूंकि भारत को अपनी मोलभाव की शक्ति का एहसास हो चला था, जाहिर है इस घटनाक्रम को सऊदी अरब आसानी से तो पचा नहीं पाएगा। इसी बीच ओपेक ने मई और जुलाई के बीच कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब भारत में पेट्रोल डीजल के भाव गिरेंगे। परंतु अब चूंकि सऊदी अरब ने एशिया के लिए कच्चे तेल के भाव बढ़ा दिए हैं, तो अन्य उत्पादक भी सऊदी अरब के पीछे लाइन में लगकर अपने अपने भाव बढ़ा देंगे। यह सब तो शॉर्ट टर्म के चेंजेस हैं, लेकिन इसी दौरान भारत ने लिया था ऐसा कदम जिससे लंबी अवधि के लिए खेल के नियम बदल गए। और हमें लगता है कि भारत सरकार के इसी निर्णय के कारण अब सऊदी अरब खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोच रहा है। दोस्तों अभी भारत में एथेनॉल पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचा जाता है। पिछले महीने भारत सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इजाजत दे दी जिसके तहत वह एथेनॉल E100 को अकेला भी बेच सकती है। मतलब अब 100% एथेनॉल की बिक्री भी भारत में अलाउ हो गई है। यह बात सच है कि अभी हर पेट्रोल पंप पर अकेला एथेनॉल बेचने के लिए मशीन और टैंक का इंतजाम किया जाना है। इतने बड़े पैमाने पर एथेनॉल के उत्पादन के लिए भी शुगर कंपनियों को एथेनॉल रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। साथ ही साथ भारत में ऐसी गाड़ियों का बनना और बिकना चालू होना है जो कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ अकेले एथेनॉल के दम पर चल सके। हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने भी इंडियन ऑटो कंपनियों से आग्रह किया था कि वे ब्राजील, अमेरिका और कनाडा की तरह भारत में भी फ्लेक्सी फ्यूल इंजन को लॉन्च करें। अभी तो यह होता है दोस्तों कि पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डलता है, लेकिन यदि गाड़ी में फ्लेक्सी इंजन लगा होगा और मौका पड़ने पर पेट्रोल की तुलना में 100% एथेनॉल सस्ता है, तो गाड़ी का मालिक पेट्रोल की जगह एथेनॉल डलवाकर मस्ती के साथ आगे निकल जाएगा। वैसे भी भारत में शक्कर का इतना उत्पादन हो रहा है कि उसके एक्सपोर्ट को सस्ता बनाने के लिए भारत सरकार को हम सभी टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी देनी पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि अब जबकि 100% एथेनॉल की बिक्री को हरी झंडी मिल गई है, बाकी का धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे। दोस्तों अब आप ही बताएं, भारत का एथेनॉल की दिशा में इस तरह से आगे बढ़ना कि सऊदी अरब कभी पछा पाएगा? सऊदी अरब को जो करना है वह कर ले, भारत ने तो अंगद का पांव आगे बढ़ा दिया है। भविष्य में जब भी सऊदी अरब और उसके पिछलग्गू देश कच्चे तेल का उत्पादन घटाएंगे, भारत के पास सस्ते एथेनॉल का विकल्प मौजूद रहेगा। यह च्वाइस निश्चित रूप से हमारी मोलभाव की शक्ति को बढ़ाने वाली है। पिछले कुछ महीनों में वादा खिलाफी करके सऊदी अरब ने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया था, जिसके कारण पूरी दुनिया में तेल के भाव में आग लग गई। लेकिन भारत सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। सऊदी अरब को अब हमेशा याद रहेगा कि वादे से मुकरने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अंत में इस वीडियो के स्पॉन्सर केदार दातार जी को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको आज का टॉपिक और हमारा वीडियो दोनों पसंद आया हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।